हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी की नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज जी। बांसुरी जी, युवा चेहरा और प्रधानमंत्री की टीम में शामिल होने के लिए नई चुनौतियों के साथ आपको यहां पर मैदान में उतारा है बीजेपी ने, क्या क्या चुनौती है आपके लिए नई दिल्ली सीट में? पहले तो बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूं और आभार व्यक्त करना चाहती हूं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी का, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, संगठन महामंत्री पवन राणा जी का, दिल्ली के प्रभारी बड़े भाई जय पांडा जी का, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी का और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का कि उन्होंने इस योग्य समझा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। और हाँ, रही बात चुनौतियों की, तो मैं आपको बताऊं किसी प्रकार की चुनौती नहीं है, क्योंकि भारत की जनता का एक अटूट विश्वास है मोदी की गारंटी पर, क्योंकि मोदी की गारंटी गारंटी पूरे होने की गारंटी है। अगर आप पिछले 10 वर्ष का मोदी सरकार का कार्यकाल देखें तो आप देखेंगे कि विकास का कितना एक अनप्रेसिडेंटेड कार्य हुआ है। आप ये देखिए कि एक बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, 11वें नंबर की इकोनॉमी कांग्रेस ने भाजपा को सौंपी थी 2014 में, आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया है और मोदी जी की गारंटी है कि मोदी 3.0 में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बना देंगे। नई दिल्ली सीट जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, सोमनाथ भारती को उम्मीदवार बनाया है, चुनौती लगेगी है आपको इस सीट पर? बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो मोदी जी के सर पर है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो। इंडिया गठबंधन आप जानते हैं कि एक स्वार्थ पर आधारित गठबंधन है। जब स्वार्थ की नीति होती है तो आप राष्ट्र हित और राष्ट्र नीति दोनों पर आप काम नहीं कर पाते, और इसीलिए स्वार्थ में ही आप देखिएगा कि यह गठबंधन जर्जर कर भुरभुरा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए बांसुरी स्वराज, जिनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जो है वो नई दिल्ली सीट से बनाया। कैमरा पर्सन अजय सिन्हा के साथ सुशांत, दिल्ली।